आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। इसको एस आई से इंडिकेट करते हैं। तो साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो एक साल के बाद देना पड़ता है। मान लेते हैं एक बैंक से हम लोग 100 रुपया बैंक से लोन लिए, ठीक है। एक साल हमको, एक साल के बाद वह बैंक को अगर रेट 10% रहा, तो रेट बैंक निर्धारित करती है, तो एक साल के बाद हमको 110 रुपया बैंक को देना पड़ता है। तो ये हम लोग जो इसको 100 रुपया बैंक से लिए, ये हमारा मूलधन हो गया। और ये जो 10 रुपया हम लोग जो एक साल के अंदर में दिए 10 रुपया, ये मेरा साधारण ब्याज हो गया। अब हम इसका जो कुछ फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। तो हम इसको साधारण ब्याज को एस आई सिंपल इंटरेस्ट से इंडिकेट करते हैं, और इंटरेस्ट को आई से इंडिकेट करते हैं, जिसका हिंदी ब्याज होता है, और रेट को आर से इंडिकेट करते हैं, जिसका हिंदी में दर होता है, और समय को टाइम टी से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको पी से इंडिकेट करते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई चक्रवृद्धि ब्याज से इंडिकेट करते हैं। अमाउंट कैपिटल ए से, मिश्रधन जिसका हिंदी मिश्रधन होता है, इसको एस कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, और कॉस्ट प्राइस सी पी क्रय मूल्य और सी पी से इंडिकेट करते हैं, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमें एस पी से इंडिकेट करते हैं, और गेन और प्रॉफिट ये लाभ होता है, और लॉस में हानि होता है। ये सारे वर्ड्स साधारण ब्याज का कुछ वर्ड्स हैं। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अगर हम इंग्लिश में जानेंगे इनको, तो पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। अब हम इस फॉर्मूले से तीन फॉर्मूला और हम निकाल सकते हैं। अगर हम इसको निकालेंगे, पी बराबर होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है 100 इंटू आई। सिंपल इंटरेस्ट को आई ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है, और ये हम निकाल लिया, तो इसमें बचा क्या, टी इंटू आर। मेरा एक फॉर्मूला रेडी हो गया। दूसरा फॉर्मूला फिर इससे निकालेंगे, टी टी को हम लेंगे, तो ये तो सेम ही रहेगा 100 इंटू आई बाय, हम यहां से टी को निकाल लेंगे तो हमारा बच जाएगा पी और आर। दो फॉर्मूला निकल गया मेरा। अब तीसरा फॉर्मूला फिर निकालेंगे आर। आर को हम यहां से निकाल लिया, तो मेरा बचा क्या, पी और टी, फिर ये 100 इंटू आई इंटरेस्ट बाय टी इंटू आर। ये हमने इस फॉर्मूले की मदद से तीन फॉर्मूला और निकाल लिए। इस फॉर्मूले के बाद अब हम लोग जो है, अब आएंगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। 1800 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो ये मेरा मूलधन हो गया, मूलधन को पी बोलते हैं। पी कितना हो गया मेरा, 1800 रुपया, इसको लिख लेते हैं, ठीक। अब मेरा वार्षिक दर या दर को रेट बोलते हैं, आर बराबर हो गया मेरा 10%, और समय मेरा 10 वर्ष है,
यानी टी मेरा 10 वर्ष है। अब हम लोग इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला से इसको हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल पी आर टी बाय 100 होता है। तो मेरा पी कितना है 1800 रुपया, आर कितना है 10% और समय है 10 वर्ष बाय 100। इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो को एट जीरो को काट देंगे, तो हमारा ₹1800 जो है वह सिंपल उत्तर हो गया। साधारण ब्याज ₹1800 हो। साधारण ब्याज का दूसरा प्रश्न है मेरे पास, ₹1200 मासिक साधारण ब्याज 8 रुपया है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो हल करते हैं इसको। पी कितना है मेरा, पी है 1200 और समय है वार्षिक दर, वार्षिक बोला है, ये समय 1 वर्ष है। और तो मैं दर पूछा गया है, ब्याज है 8 रुपया यानी इंटरेस्ट मेरा हो गया 8 रुपया। तो ये मासिक है तो एक साल में मेरा हो जाएगा 96, ये मेरा 1 साल का निकल गया। एक वर्ष का निकल गया और दर मेरा है रेट ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे रेट इक्वल टू इंटू आई बटे पी इंटू टी। 100 ब्याज मेरा 96 है, पी मेरा 1200 रुपया है और समय 1 वर्ष है, ठीक है। ये दो जीरो कैंसिल आउट, 12 96 यानी मेरा 8% आंसर हो गया।